पुल बना हुआ है, और हमारे जो है गांव की रोड ये है, ये आ रही है, और ये रोड जो है इस रोड पर इस पुल के। हाँ, प्राची के हाथ में थोड़ा स्वाद है, लेकिन जो हाथ जो स्वाद मेरे हाथों में वो किसी के हाथ में जो नहीं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बानू के ब्लॉग्स में। आई होप आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का ब्लॉग जो है मैं सारा काम करने के बाद ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से हमने नाश्ता भी कर लिया है और बर्तन वर्तन धो के भी रेडी हो चुके हैं। दीपा गई है घास के लिए और आज हम जाएंगे पुल देखने के लिए नीचे का। भिक्कासैंण नहीं, मछला टू भिक्कासैंण रोड जो गई है उसे देखने के लिए जाएंगे। टाइम लगेगा तो आपको दिखाएंगे। बने रहिए ब्लॉग के साथ और देखिए आज का मौसम। और सानू और अम्मा देखिए यहाँ पर लेटे हुए हैं नीचे। ये देखिए अम्मा खेल रही है सानवी के साथ और वो रो रही है। ये देखो धूप आ चुकी है, सानू की भी मालिश हो चुकी है, दोनों के बैठे हुए हैं। ये आ गया सौरभ खेल के। चीनी गए थे खेलने तो गए थे, नहीं गए थे ना। मार चुके नहा के, अब बनाऊंगी मैं खिचड़ी। ये चाची लोगों ने देर किया यहाँ पे कड़ी डाली, घटा चाय फिर, और एक गिलास में चाय पी रहे हैं, एक गिलास में कड़ी। हाँ, प्राची के हाथ में थोड़ा स्वाद है, लेकिन जो हाथ जो स्वाद मेरे हाथों में वो किसी जो स्वाद मेरे भाभी के हाथ में है। बोलो ना ना भाभी, क्यों तक खिचड़ी बनती है तब तक मैं थोड़ा अपने बाल सुखा लेती हूँ। सानू के पापा जा रहे हैं नीचे पुल देखने के लिए। पुल बना है भिक्कासैंण वाली रोड पे बनाया है एक पुल, वहाँ पे जा रहे हैं बाइक में। और दीपा और सौरभ रहेंगे के साथ, सानू के साथ घर पे, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी हाँ रास्ते में। नीचे ये रामगंगा नदी आ रही है, रामगंगा नदी, और ये जो है हमारे खेत हैं। और ये खेत देखो, पहले यहाँ सारी बहुत ही हरियाली हुआ करती थी, अभी तो सारे बंजर पड़ गई है सारी भूमि। कुछ दो चार खेती हैं जिसमें थोड़ा बहुत बोया है। और यहाँ से मतलब हम पहले जो है 2008-09 में जो यहाँ से यहीं से हमारी खेती होती थी, जिसमें गेहूँ होते थे और धान होते थे और प्याज होती थी, मिर्च होती थी। तो यहाँ से बहुत सारा मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती थी पहले। यहाँ से कम घर हमारा 5 से 6 किलोमीटर ऊपर है एकदम चढ़ाई में। तो हमारे जितने भी पहले के लोग हैं, मेरे चाचा लोग हो गए, ताऊजी लोग, सब ने यहाँ बहुत मेहनत कर रखी है खेतों में। और वो उन खेतों में जो भी फसल होती थी उसी से पले पड़े हैं सारे लोग। तो थोड़ा याद आ रही थी गाँव की, अपने खेतों की, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वहाँ के
खेत अभी कैसे हैं क्या हैं एक बार देख के आता हूँ। तो ये रहे खेत हमारे पहले के। ठीक है आगे देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं मरचुला वाली रोड है ये मरचुला वाली रोड जो है बिक्के सैन को जा रही है। अभी खाली कटी है इसमें अभी कच्ची सड़क है, डामरीकरण अभी बाद में होगा। तो हमारे घर से जो रोड जाती है वो रोड जो है नीचे इस रोड पर मिलती है, वहाँ पर एक पुल बना हुआ है तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे आपको दिखाते हैं वहाँ पर एक पुल बना हुआ है। ये है नीचे नदी और रामगंगा नदी है, बहुत पास आ चुके हैं नदी के। और ये नदी का एक जो है पेयजल योजना राजा हरोहित पेयजल योजना भी स्टार्ट हुई है इसी नदी से। वो देखेंगे वहाँ पर एक टैंकी बनी हुई है नदी के किनारे। और यहाँ से जो है आसपास के जितने गांव हैं सारे गांव में ये पानी जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है, ये पत्थर है हसीढुंग बोलते हैं इसको। तो जो राजा हरोहित थे तो वो यहीं से जो है उनकी बोलते हैं कि हमने भी सुनी है कहानी कि वहाँ से जो सुरंग के थ्रू यहाँ पर आते थे और पानी वानी लेके जाते थे यहाँ से। तो बहुत बड़ा पत्थर है यहाँ से, मतलब दिख छोटा रहा है लेकिन बहुत बड़ा है, देखो जिसमें मेरी उंगली है ये वाली, ये बहुत बड़ा पत्थर है यहाँ पर। इसका टाइम आता है ना तो ये टैंकी जो है पूरी जितना जितना सीमेंट दिख रहा है आपको इतने तक यहाँ पर बारिश के टाइम पर पानी भर जाता है। और खाली जहाँ पर ये वाइट वाइट सा दिख रहा है इतना ही एरिया रह जाता है, पूरा ये भर जाती है टैंकी पानी से जब बारिश का मौसम होता है। ये देखिए आपको दिखाती हूँ पूरा, अब हम चल दिए आगे। अरे जो यहाँ बसे होंगे वो लोग तो पता नहीं कैसे जाते होंगे ना इतने ऊँचे ऊँचे जगह से नीचे, फिर मार्केट भी। मैं क्या बनाया ये रहा लग रहा है हा? ये रहा मरचुला भिक्के सैन पुल, बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है ये देखो हाँ, मतलब वर्किंग में है, थोड़ा बहुत ही रह गया है काम लेकिन हो ही गया है लमसम। लेकिन लग बड़ा ज़बरदस्त रहा है ये देखो। दोस्तों हम पहुँच गए हैं ये जो मरचुला भिक्के सैन वाले रोड पर, जो हमारे गांव की रोड मिलती है वहाँ पर ये पुल बना हुआ है। और हमारे जो है गांव की रोड ये है, ये आ रही है और ये रोड जो है इस रोड पर इस पुल के माध्यम से इस पर अटैच होगी, मतलब मिल जाएगी, मिल गई है। और ये रोड जो है सीधे फिर जाएगी भिक्के सैन। तो पुल बहुत ही ज़बरदस्त बना है, तो देखने में तो बहुत मज़ा आ गया पुल को देखने में। तो दिखाता हूँ आपको पूरा पुल का व्यू, ये देखते हैं। देखो दोस्तों ये है रामगंगा नदी, नदी के हम जस्ट किनारे पहुंच गए हैं। और ये नदी के बीच में भी बहुत काम हुआ था तो थोड़ा इसका रूट डाइवर्ट करा हुआ था। और ये पुल है पूरा, ये देखो ये उधर मरचुला भिक्के सैन से ये रोड आ रही है। अभी तो रोड कच्ची है लेकिन इन फ्यूचर जो है डामरीकरण करके बहुत बढ़िया लिंकेज रोड बन जाएगी। ये देखिए पुल, ये देखिए पुल, देखिए ज़बरदस्त लग रहा है एकदम, मज़ा आ गया देख के पुल को। अभी काम जो है चल रहा है थोड़ा बहुत, बस कुछ ही काम पेंडिंग रह गया इसमें, उस टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगा ये। देखो ये नदी आ रही है, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है ना? यहाँ मछली पकड़ने भी आते थे हम पहले। ये नदी कितनी सुंदर लग रही है यहाँ पे, ऐसे ग्रीन ग्रीन सा फिर नीचे पे ऐसे। ये रही मरचुला भिक्के सैन रोड, अभी बन रही है, अभी काम चल ही रहा है इसमें। तो ये
ये सीधे बहुत शॉर्ट रास्ता हो जाएगा अगर ये रोड बन जाएगी तो। और यहाँ से फिर हम मौलेखाल जाने के लिए भी रास्ता बहुत नज़दीक हो जाएगा। देखो मौर्य वाली रोड जो है वो है, वो वाली रोड हमारे गाँव से आ रही है, जा रही है जाएगी और यहाँ पर चौराहे बन जाएगा। बहुत लंबे टाइम से चल रहा था इस पुल का काम, मतलब 1.5-2 साल से काम चल रहा था, अभी भी थोड़ी बहुत चल ही रहा है बट मोस्टली जो है हो गया है पूरा कंप्लीट लगभग लगभग। ये देखो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है ज़बरदस्त, बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है यहाँ पे, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि एकदम नेचुरल हवा आ रहे हैं। आपको कैसा लगा यहाँ आके? मजा आ गया? लेकिन जिसे पहले ये इतनी पहाड़ी चढ़ के कौन जाता होगा, है ना? यही पुल देख के तो अब हम जा रहे हैं वापसी घर के लिए। देख लिया है ये सारा पुल, उधर से भी कैसन वाली रोड चले। अब हम घर को, ये रही हमारे धन्नो, ये कर रहे हैं मेरी स्टॉल से बाइक की सफाई। गुड। ये देखो अंकल जी लो, अंकल जी आप बकरी लेके जा रहे हो? कहाँ के हो, कौन से गांव के हो आप? सिसवाड़ी के? वो ये जो है तू दूर बाहर से तुम बकरी चढ़ रही काछो? हाँ अच्छा हमार डोठक ये रे दे इते हैं मरे माथा डोठिया का माथा डोठिया का हाँ यार दूर हो गया कतू पकड़ चियो 50-60 जीवन तो 4-7 एक चियो कोई 30-40 बकरी हमार लोगों ने दराथी दराथी भी पकड़ रखी है बकरियों के साथ साथ में, कहीं बाघ आ गया तो हम लगा रहेगा तो रखना पड़ता है सेफ्टी के लिए। हमने तो पत्थर भी नहीं देखा, आप कितने दिन बाद में आएंगे? जब सानू बड़ी हो जाएगी तब आएंगे हम। एक रोड ये कट रही है, ये वाली रोड कहाँ के लिए कट रही है? बॉर्डर के लिए, बॉर्डर बॉर्डर के लिए कट रही है ये वाली रोड। पुल से मैं देखो सानू जो है यहाँ पे खेल लिए चाचा लोगों के साथ, दिखाती हूँ आपको। ओ, ये तीनों खेल रहे हैं, सानवी ले रही है मजे गेम के, चाचू से खिला रहे हैं और छोटे वाले चाचू बॉल करा रहे हैं। और लक्की देख रहा है यहाँ पे घोड़ों को, घोड़े आ रहे हैं ऊपर से तो उससे कह रहा है कि पहले घोड़े देखते हैं फिर खिलाऊंगा मैं। अम्मा आगो तुम प्याज हो बे, हेलो मैं बैठी हुई हूँ और देवरानी जी ने जो है क्या बनाया आज, खिचड़ी बनाई है। और क्या कहते हैं सानू के साथ, सानू ने परेशान करा, परेशान कर थोड़ा थोड़ा क्योंकि सौरभ तो चले गया था स्कूल में, फिर आया थोड़ी देर में जब हम गए फिर ही आया था। और बहू के साथ फिर बाद में ये रहा, फिर दीपा ने काम करा होगा कुछ, है ना? दीदी कर रही है पाइप का गुन और पद अमल झोई या दीद का गुन आमा का मैं हाथों पर तागन नहीं छू, है ना दी? आपा लीजिए हरा कम होए नहीं क्या? ये नील दीदी ला झोने, अच्छा पाइप ले जाना, ये दीदी ला झोनो पाइप। देख मो तुम जरा तबारा सरा सर काम आ क्यों हेल्प कर रही हूं कहां से मां की हां मशीन लगानी जरा ब्याक पर कंजम डाउन कर सासु मां की हेल्प कर रही हूं मगर सासु बस क्या धोए है इन्होंने हेल्प कर रही हूं मैं भाभी ऐसा देखो ना अभी भाभी और किसी से नहीं कहता है लकी ले कुछ तो स्पेशल होगा भाभियों में भी तभी तो आ रहा है भर लग आज आ रखी है हमारी बुआ जी घर पे ये शिव बुआ वैसे तो नैनी नैनी बहुत जैसी है लेकिन छू बुआ बल है तुमको कस लग मैं तब है बुआ जी ये थी कह से तुम मैं तो भल लग ना इनको भेजो वापस किधर भेजो इनको भल लग बोले तब है
तुम्हीं का नाम नोटी बेकार ना अल्लाह भी जो मैं अल्लाह डर जाना डटे तो स्वर्ग है ना माँ उपाय क्या हैगा स्वर्ग है काटिया डटे स्वर्ग है कते दिन लीजिए आज से तुम मैं ए मैं 15 हुआ जी हरी 10-15 दिन लीजिए हाँ तब तक हमारा सही हो जाए है ना हुआ जी हाँ जी बिल्कुल अब मैं बेबा पहलू इन हूँ बनो कंची या बुआ जी का बस है ना का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।